नमस्कार दोस्तों, गीकी रिकी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने पोको एक्स टू का अनबॉक्सिंग प्लस इसका कैमरा इन डेप्थ रिव्यू प्लस सब कुछ तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि पोको एक्स टू अगर आपका बजट लगभग 15 से 20 हज़ार के अंदर है तो इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा स्ट्रेट ओपिनियन दूंगा इस फ़ोन के बारे में और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर एक स्मार्टफोन लेना है तो आप पोको एक्स टू लोगे या फिर रियलमी एक्स टू लोगे या फिर आप रेडमी नोट 10 प्रो लोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसकी एक अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा, उसकी कुछ बुरी चीज़ भी बताऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार है तो पोको एक्स टू आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने यूट्यूब ऐप में जाकर गीकी रिकू को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहली चीज़ आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आप सब देख रहे हो कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फ़ोन कैसा है। हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसका जो पीछे का डिस्प्ले है पूरा कर्व दिया गया है तो इसको होल्ड करने में आपको एकदम स्ट्रांगली फीलिंग आती होगी कि इसको होल्ड करके आप इजीली होल्ड कर सकते हो। और फ़ोन 6.67 इंचेस का आता है तो फ़ोन थोड़ा देखने में बड़ा लगता है पर आप इसका कर्व डिज़ाइन के कारण इसको होल्ड कर सकते हो इजीली। और बिल्ट इन फिनिशिंग की बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही अच्छी फिट एंड फिनिशिंग दी है। जैसे कि पोको F1 दोस्तों मैंने यूज़ किया था, उसकी फिट एंड फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी पर पोको X2 की फिक्स रिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आपको दे दी गई है। और फ्रंट और रियर में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी जाती है प्लस 3.5 ऑडियो जैक आपको मिल जाता है, माइक मिल जाता है दोस्तों, ऊपर सेकेंड नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक मिलता है प्लस आपको आयर ब्लास्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है दोस्तों कि आपको सभी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है तो प्रॉब्लम नहीं आता है। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर 6.67 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसकी ब्राइटनेस कॉलिब्रेशन की बात करूँ तो ब्राइटनेस कॉलिब्रेशन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपने रियलमी X2 में देखा दोस्तों, उसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जबकि इसके अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। तो भी इसका जो कलर का जो रेशियो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आउटडोर कंडीशन में आपको ब्राइटनेस कम नहीं लगेगी, इसका ब्राइटनेस कैलिब्रेशन भी बहुत ही अच्छा कंपनी ने किया गया है। थर्ड थिंग आता है दोस्तों इसका कैमरा। कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिल जाता है, 20+2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग सेंसर मिल जाता है जो पंच होल डिस्प्ले के साथ में आपको आता है। और दोस्तों, इस फ़ोन की खासियत यही है कि 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाता है। और प्रोसेसर की बात करूँ तो 730G प्रोसेसर के साथ में आता है दोस्तों इसका। दोस्तों, मैंने गेमिंग टेस्ट भी कर दिया है तो आप सभी के लिए गेमिंग टेस्ट भी मैं इसका जल्दी लेकर आऊँगा। आपको देखना है इसका गेमिंग टेस्ट दोस्तों मेरे गीकी रामू चैनल पर जाके इसका गेमिंग टेस्ट भी आप ज़रूर दे सकते हो। तीसरी चीज़ है दोस्तों, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप माइक्रो हाइब्रिड स्लॉट ही मिलता है, आप आइदर एक सिम या एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो अथवा या दो सिम आप इसके अंदर डाल सकते हो। और मेन चीज़ आती है दोस्तों इसका डिस्प्ले। हाँ, 6.67 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जिसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चढ़ाई गई है। और दोस्तों, मेन चीज़ है इसका 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है बहुत ही स्मूथ है, आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम स्मूथली ये डिस्प्ले वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, रिफ्रेश रेट इसका बहुत ही अच्छा है क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको किसी भी फ़ोन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलता। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो रिफ्रेश रेट है जिसके कारण से इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है या कोई भी चीज़ आपको ओपन करना है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है दोस्तों। देखो, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना है ये इजीली ओपन करके दे देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एप्लीकेशन का स्मूथनेस बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले। अब दोस्तों, 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले की सबसे बड़ी खास चीज़ है कि अगर आप गेमिंग के लिए इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये एकदम स्मूथली वर्क करेगा क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाता है जिसके कारण से आपको गेमिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अंदर आपको एड्रीनी 618 GPU दे दिया गया है जिसके कारण से आप पबजी जैसी गेम या कॉल ऑफ ड्यूटी हाई ग्राफिक्स वाली गेम इजीली इसके अंदर आप खेल सकते हो। और ये MIUI 11 के साथ में आता है जो E11.0.6.0 पे वर्क करता है। यह 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट है दोस्तों। रैम मैनेजमेंट की बात करूँ दोस्तों तो रैम मैनेजमेंट के अंदर ही बहुत ही अच्छा फ़ोन है, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना है या बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को ऑन करना है दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छी तरह से रिफ्रेश
रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले का मेन रिजोल्यूशन है दोस्तों 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले इसका मेन यूएसपी है। मतलब इस फैन का मेन सबसे ज़्यादा यूएसपी है दोस्तों इसका 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले में नहीं आती है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। प्लस गेमिंग के अंदर भी दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। और दोस्तों तीसरी चीज़ आती है इसका हेडफोन का कॉल क्वालिटी, इसका कॉल क्वालिटी बहुत रिसेप्शन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, कोई लैग नहीं आता आपको फ़ोन क्वालिटी के अंदर, आप इजीली कॉल को ले सकते हो, इजीली कोई आपको ड्रॉप बैक नहीं मिलता कॉल क्वालिटी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा है। अब तीसरी चीज़ आती है दोस्तों इसका हेडफोन आउट की क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो इसका हेडफोन आउट बहुत ही अच्छा देता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका हेडफोन आउट की जो क्वालिटी है, इसका बेस का जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों बहुत ही अच्छा मिल जाता है, इसका जो वोकल क्लियरिटी है दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। मतलब ये फ़ोन हेडफोन आउट के मामले में भी बेहतरीन फ़ोन है, इसके अंदर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ में दोस्तों मैंने जो मोटोपल्स का वायरलेस हेडसेट है वो मैंने यूज़ करके देखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये फ़ोन हेडसेट के अंदर भी बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों चौथी चीज़ आती है इसका कैमरा, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको मिलता है, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर आउटडोर कंडीशन में प्लस इनडोर कंडीशन में ली थी, तो डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। जो रियर फेसिंग सेंसर दोस्तों इसके अंदर सोनी का IMX सेंसर का यूज़ किया गया है, तो रियर सेंसर के अंदर भी क्वालिटी अच्छी आती है, और फ्रंट फेसिंग सेंसर में भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। अब दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है और रियर कैमरा है दोस्तों, उसके अंदर आपको एक अच्छा मोड ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आपको मूवी मोड का ऑप्शन मिल जाता है। मूवी मोड के जरिए दोस्तों आप सिनेमेटिक शॉट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको सिनेमेटिक शॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ और है, इसका चार्जिंग स्पीड। इसके साथ में आपको 27 वोल्ट का चार्जिंग साथ में आता है, 0 to 100 चार्ज करने में लगभग में आपको 1 घंटा 20 मिनट लगाता है, तो चार्जिंग के मामले में भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इस फ़ोन को 1 घंटा फुल 100% चार्ज कर लिया तो लगभग आपको 1 से 1.5 दिन ये यूज़ करने के लिए मिलेगा दोस्तों। हाँ, इसके अंदर आपको फुल चार्ज में 1 से 1.5 दिन तक का यूज़ करने मिलेगा। अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करते हो तो 1 से 1.5 दिन, अगर आप या यूट्यूब चैनल देखते हो या कोई वीडियोस खेलते हो या कोई गेम खेलते हो दोस्तों, तो लगभग में 1 दिन तो आपका साथ ये निभाई देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है और 27 वोल्ट का चार्जिंग दोस्तों आपको साथ में ही मिल जाता है, जिसके कारण से आप 1 दिन पूरा इसके साथ में ले सकते हो। तो दोस्तों कुछ अच्छी बातें इस फ़ोन की हो गई। अब दोस्तों कुछ बुरी चीज़ आपको इसकी बताना चाहता हूँ, किसी भी फ़ोन का दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ होती है तो कुछ बुरी चीज़ होती है। अब इस फ़ोन के अंदर दोस्तों एक ही बुरी चीज़ है, इस फ़ोन को मैंने कभी यूज़ करा था दोस्तों तो लगभग में कोई कोई एप्लीकेशन मुझे हैंगिंग का इशू आया था। हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करते ही के लगता है कि ये स्क्रीनशॉट ले रहा है उस एप्लीकेशन का, ऐसा लग रहा था, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है दोस्तों, इसके कारण से प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब मुझे पता नहीं दोस्तों, अगर अभी सॉफ्टवेयर अपडेट से ऑप्टिमाइज हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन है, पर कभी भी मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता था दोस्तों तो ऐसा लग रहा था कि इसका स्क्रीनशॉट ले रहा है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया तो फिर भी इसका लगता था कि ये स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस ऑन कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, पर समटाइम्स मुझे इसमें लैगिंग का इशू आया था और हैंगिंग का इशू इस फ़ोन के अंदर आया था। हाँ दोस्तों, ग्लास बॉडी है पर अच्छा है, और दोस्तों इस फ़ोन को अगर आप चार्जिंग में लगते हो तो ये फ़ोन बहुत ही हीट करता है। हीटिंग का भी दोस्तों मुझे अभी नॉर्मली आज मैंने इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके इसको फुल्ली चार्ज किया था, इसके अंदर पूरा फ़ोन दोस्तों पीछे से हीट कर रहा था, मतलब बहुत ही गर्म हो गया था, लगता था कि ये फ़ोन फट जाएगा। इसको मैंने 100% चार्ज किया दोस्तों तो फ़ोन फटने की कगार पे ऐसा लग रहा था, फोन फटा नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। चलिए, 27 वोल्ट का चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग स्पीड आपको 9 वोल्ट 3 एम्पीयर पे मिल जाता है, तो अच्छा है। 5 वोल्ट 3 एम्पीयर या 9 वोल्ट 3 एम्पीयर पे मिल जाता है तो अच्छा है दोस्तों ये फ़ोन, पर इसको फ़ोन चार्ज करने पर दोस्तों हीटिंग इशू बहुत ही आपको पीछे से मिल जाता है, तो इस फ़ोन का ड्रॉबैक है दोस्तों इसके अंदर आपको हीटिंग का इशू मिलता है। अब दोस्तों इस फ़ोन की मेन चीज़ थी कि इसका बिल्ड क्वालिटी 730G प्रोसेसर प्लस 27 वोल्ट का चार्जिंग प्लस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्लस 18618 का GPU क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, बहुत सारे कौन से दोस्तों बहुत सारे प्रोज है, पर एक कौन से मैंने आपको बता दिया इस फ़ोन का दोस्तों, जैसे था इसका हैंगिंग का इशू और इसका लैगिंग का इशू इसके अंदर आपको मिलता था। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा ओपिनियन यही रहेगा, अगर आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर एक स्मार्टफोन लेना है जिसको आप गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करने वाले हो तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो।
अदरवाइज इस फ़ोन को ड्रॉप बैक कर सकते हो, क्योंकि इससे अच्छे से अच्छे ऑप्शन आपको इस प्राइस रेंज के मिल जाएंगे। जैसे रियलमी एक्स टू की बात करूँ तो उसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 730G प्रोसेसर मिल जाता है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपको मिलता है रियलमी एक्स टू के अंदर। प्लस उसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें 120Hz का रियलमी एक्स टू में आपको 60Hz का रिफ्रेश मिलता है, इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो एक अच्छी बात है इस फ़ोन के अंदर। पर रियलमी एक्स टू इससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ोन है दोस्तों, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे आपको फीचर उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका रिव्यू कैसा लगा। दोस्तों मेरा टॉप एट ओपिनियन है कि अगर आपको 15 से 20,000 के अंदर इस फ़ोन को लेना हो, जस्ट गेमिंग के लिए यूज़ करना हो दोस्तों, तो इस फ़ोन को ले सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली आप रियलमी एक्स टू के लिए जा सकते हो, क्योंकि रियलमी एक्स टू इससे ज़्यादा कहीं अच्छा फ़ोन है। फ्रेंकली दोस्तों मेरा ओपिनियन है कि इसको ड्रॉप बैक करके आप रियलमी एक्स टू के लिए जाइए, क्योंकि रियलमी एक्स टू एक अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इस फ़ोन को मैंने दोस्तों यूज़ किया हुआ है, उसकी स्पीकर क्वालिटी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, उसके अंदर आपको लाउडनेस मिलता है स्पीकर में, प्लस इसकी डिस्प्ले क्वालिटी उसकी कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इसमें फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, वो भी ग्लास बॉडी के साथ में आता है, ये भी ग्लास बॉडी के साथ में आता है, पर दोस्तों वो फ़ोन मुझे कहीं ज़्यादा इससे अच्छा लगा। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस फ़ोन के बारे में, मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।